वीडियो पे यार मैं ज्यादा नहीं उम्मीद करता, बट कम से कम यार 500 लोग तो कमेंट करो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैंने सोचा कि छुट्टी वाला दिन है तो प्यांचु के गुड मॉर्निंग एवरीवन। तू भी आ गया, मेरे को कह रहा था कि मैंने ना अपना काम करना है तो अपना करती रहे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सबको गुड मॉर्निंग तो कह दे, मैं कर दूंगा। मैंने कहा फीफी आज छुट्टी वाला दिन है, साथ में कर ले, और अपने आप आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाय, मैं काम करने जा रहा हूँ। सो एनीवे, सो मैंने सोचा कि शर्मा जी को थोड़ा खुश कर दिया जाए, कुछ कुकिंग शुकिंग कर लें हम भी यूट्यूब से देख कर। सो यू विल सी व्हाट आई एम गोना कुक। इजी ब्रेकफास्ट देखा मैंने, बाय द वे मैंने ये आयरन का लिया तो है तवा, बट यार अभी भी ना ये प्रॉपर मतलब के नॉनस्टिक बना नहीं है, और मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं नॉनस्टिक वाला पैन यूज करूं, बिकॉज इट्स सो इजी। इस पे थोड़ा सा ऐसे लग जाता है और ऑयल ज्यादा यूज करना पड़ता है। दोबारा एक बार इसको ट्राई देते हैं कि थोड़ा सा ऑयल लगा के भी अगर ये ठीक बन जाए, बिकॉज मैंने ऑमलेट बनाना है और नॉनस्टिक पे तो वो बहुत ही परफेक्ट बनता है। बट एट द सेम टाइम माय मम्मा से कि नॉनस्टिक मत यूज किया कर ज्यादा, कुकू मत यूज किया कर। सो आई गॉट टोमेटोज, अनियंस, एग्स, चीज, व्हाइट एग्स, पालक शालक भी डाल लेते हैं। मैंने सोचा सिर्फ पालक डालियो, ठीक है शालक नहीं डालती। मुझे पता था, अब मुझे इसके जोक्स और भी ज्यादा समझ आने लग गए हैं। आईकिया से मैं ये लेकर आई थी, पालक को बंद करके रख दें। Let's put this back in the fridge. So change of plans, हमने कुछ और एडिशन कर दिए हैं, कॉर्न्स के साथ साथ पालक भी ऐड कर दिए एंड रोटी, इसको भी यूज किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैसे तो आई नो फियांचू को ज्यादा स्लाइसेस पसंद नहीं है टोमेटोज के बड़े बड़े, सो आई एम गोना कट इट इनटू हाफ, बट यार देखो कितने प्यारे हुए हैं। हम यूज करेंगे देसी घी। मम्मा कहते हैं देसी घी इतना खाना जरूरी है। प्लीज अच्छा बनियो। इसमें मैं यूज करूंगी रोटी। दोस्तों मुझे लगता नहीं है कुछ बन पाएगा, बिकॉज ये चिपक रहा है। मुझे लगता है नॉनस्टिक पैन निकाल ही लेना चाहिए दोस्तों, बट कहाँ है वो पैन। मैंने तवा चेंज कर दिया है, बिकॉज इसकी तो हालत बुरी हो गई है। चीज, स्पिनच एंड एक और रोटी। थोड़ा सा स्टीम दे देते हैं ढक के, सो दैट चीज पिघल जाए। 12 seconds left. Few moments late. 3 days later. 1 eternity later. तू ऐसे ही उठा के रख ले इसको। ओ, ऐसे? हाँ। Shoot. So, अब शर्मा जी को बुलाते हैं, देखते हैं उसको कैसा लगता है। शर्मा जी, कमिंग जानू, कमिंग, जल्दी आ जाओ। ओ, डायरेक्ट अभी बैटर क्या खाएंगे आज? Yes. क्या बात है, आपने हार्ट बनाने की कोशिश की है? Yes. कोशिश की है बस। गुड जॉब ठीक है। सो हैप्पी कि तूने स्पिनच डाला। तू पता कैसी लग रही है? हाँ। शादी पे जाते नहीं कैमरा वाला पीछे पड़ जाता, बंदा खा रहा होता है, भाग देना से। ओके, सो भाई मैं तो हो गई हूँ पास। ये सोचा मिस्टर शर्मा को कोल्ड कॉफी भी बना दे। आई एम गोना पुट दिस एज वेल एंड दिस रेडी। दोस्तों शर्मा जी, दोस्तों आज आ रहा है पूरा मजा छुट्टी वाले दिन का। बीवी ने आज प्रण लिया है कि सारा खाना वही बनाएगी,
और मैं सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आज की, मुझे क्या खाना बनाना है क्या नहीं बनाना। और इतना प्यारा लग रहा है टच ऑफ डाइनिंग टेबल। सो दोस्तों, मैंने फ्यांचू को कहा मेरे लिए भी बना दे यार कॉफी। मैंने खा लिया और मैंने इतना खा लिया कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही। कहते हैं ना कि फूड कोमा हो गया, मुझे फूड कोमा हो गया। तूने फूड स्लैब सुना है? फूड स्लैब? स्लैब नहीं, वो होता है जो खाना खा के ड्रामे करते हैं ना काम ना करने के, उनको चांटे पड़ते हैं। नहीं मैंने, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ नहीं होता फूड स्लैब। आपको दिखा देते शर्मा जी क्या कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड इज, मैं बताता हूं व्हाट हैपेंड इज की लगी। बता, बताओ अपने मुंह से। सो व्हाट हैपेंड इज के मैंने, आपको पता ही है कि तीन चेयर्स लगाई थी और फ्यांचु ने एक करी थी। तीन? दो मैंने की थी और दो तूने। तीन करी है मैंने, क्या बात कर रहा है तू? कि दो मैंने की और दो तूने की, ये बात करी मैंने। चलो, दो मैंने करी, दो फ्यांचु ने करी, और दो फिट थी और दो लूज थी। तो आप इमेजिन कर लो कि कौन सी दो लूज थी। वो जो फियांचू ने दो लूज करी थी वो दो लूज थे। यार इतनी तेज है तू। गाइस की सारी गलतियां मैं सुधार रहा हूँ। दो दो चेयर की और सारी ढीली थी और वो टाइट कर रहा हूँ तब से मैं। पीशी हो गई गाइस, हम तो ब्रिक्स जाने वाले थे, क्या मैंने गलत दे दी? शर्मा जी पूरा लुफ्त उठा रहे हैं कारपेट का। तीन बार तेरी गलतियों को सुधारो, मैं कारपेट पे बिना बैठू जमीन पे बैठ जू मैं। श्योर, आई डोंट माइंड, माय मॉम विल माइंड। ओह सॉरी, व्हेन शी विल वॉच दिस व्लॉग। नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आई लव योर सन। स्वा लव माय सन। पूरा ऐसे नहीं, तेरा साइकिल वाला तुझे पंचर लगा रहा होता है। मम्मा विल बी सो प्राउड। मम्मा विल क्राई। माय सन डूइंग, मम्मा छोड़, पिताजी विल क्राई। माय सन असेंबलिंग द चेयर, हाउ क्यूट। फिशी मैं सोच रही हूँ हम वो भी टीवी कंसोल भी ले आए। मैं सोच रहा हूँ मैं भी नई बीवी ले आऊँ। म्यूजिक। गाइस मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे एंड सो इज अ लिविंग रूम। जितने भी डायलॉग आपको इसके अच्छे लगते हैं सारे मेरे होते हैं बस। ये मेरा था यार, तेरा किधर से आ गया? अपनी तरफ कैमरा कर, मेरी कसम है सच बता दे, सो इज माय लिविंग रूम। ये किसने मारा था? सो इज माय लिविंग रूम तेरा था। और रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे ये भी तेरा नहीं है, ये भी बहुत पुरानी सेइंग है। देखो अगर इसे बोल दिया ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ तो भी ये बोल सकते हैं ये मैंने बोला है। कुकू 2 मिनट्स गाइस, ये फिर से लेट है। चल रेडी चलो जल्दी जल्दी चलो। होम डिपो जा रहे टर्फ लेने, तो भी मैडम तैयार हो रही है यार। लेट्स गो। सडनली प्लान बन गया गाइस होम डिपो जाने का। मैंने गाइस को बताया है, गाइस को ये भी पता है कि कितना मेकअप करके आई है तू। लग रहा है आपको बहुत सारा मेकअप किया है, बहुत लिटिल किया है नाम का। मैं पूरी कराई। Just love this song. एक ये वाला गाना और एक है। मैं बताता हूँ उस लड़की का है, वो लड़की की मोटिवेशन का है। कौन सा? उड़ जा बन के आसमान की परी। गाइस मौसम बढ़िया हो रहा है यार, बारिश होनी थी, एक बार भी बूंद तो पड़ी नहीं है। लावे थूक डालू तेरे पे। Shut up! Emotional, damn it! थोड़ी सी बड़ी You got the perfect spot. How? Yeah, सारी खाली है भाई। नहीं फिर भी। Wow, so beautiful. I want that. Wow, so beautiful. I already have this. But I can't have you like that.
यू आर विद मी बाय योर ओन चॉइस. फेमिनिज्म फेमिनिज्म दो ऑप्शन है. ये तो बिल्कुल नहीं. ये वाली गाइस बिल्कुल छोटी छोटी है, ये नहीं लेनी हमने. हमने ये वाली लेनी है. और ये कोई मरी मरी नहीं कुकू, दिस इज गुड. वैसे नेचुरल है. हाँ चल उठा इसको और अभी जान समर्पित कर दे इसी के अंदर. बाबू तू नहीं उठा पाएगी, रहने दे वापस मेरे को उठा दे. कुकू कम है. चलो 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 चलो. How can someone be this cute? Yay! Finally, I'm so happy. Jacuzzi और तब ये मेरे बचपन के दो dreams हैं. Cutie pie. 174 क्या है guys? Not सस्ता. लेते हैं. मुझे ना स्पेशली कलर बहुत अच्छा लगा. It's so real. मुझे तेरा कलर बड़ा पसंद है. कोई ये नहीं चाहिए. Brown रंग ले. भी भारी नहीं है. गाइस कुकू पता नहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई है. आपको दिखाया था ना कि बैक स्पैश लगा था तो टाइल्स वगैरह कटी थी, सारा गंदा हो गया फिर से पैटियो. तो आज हम सारा साफ करेंगे, स्टोर भी थोड़ा सा और सेट करेंगे और कोशिश करेंगे फ्रीजर भी स्टोर के अंदर रख दे ताकि बिल्कुल ही वन टाइम क्लीन हो जाए. हमारी बची हुई टाइल्स हम अपने स्टोरेज पे लगा रहे हैं नीचे. मेरे हैंडीमैन लगे हुए हैं साथ में उनकी हैंडी गर्ल. दोनों ने मास्क किसके लिए पहने? मिट्टी है ना. हाँ दिस इज इनफ. ठीक है ऊपर वाली टाइप रहे तू तो यू खाली रहे. हाँ वो भी कर लग दे. ऊपर वाली टाइल में कहती है इसके वो जो वुडन है वहां पे देख रख के. किधर? ये जो वुडन सा है फट्टा इसके ऊपर. हाँ हाँ छोटी है. छोटी है. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. अनडाउटेडली मेरी बीवी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. अनडाउटेडली पीरियड. यू आर फ्रिकिशली स्ट्रॉन्ग. बस जिम नहीं जाता कुकू. एक बार जिम जाने लग गया ना मैं. अब इसको ऑन कर दे. हाँ हम तो इधर से निकाल भी पाएंगे अब. हाँ गाइस कीरत चाहती थी कि ये हम दे दे. मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पे गर्मियां बड़ी तगड़ी गंदी होती है. मैं कहता तब पानी पूनी कोक आइस वगैरह रखने के काम आएगा. नया लेने जाएंगे $500-600 का आएगा. बेचेंगे $100-150 मिलने इसके. हाँ कर कर दे बंद कर दे.
1 go. Oh. बहुत अच्छी लग रहा है गाइस, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अब टर्फ की बारी है मुगला करने वाले। लेट्स डू इट। कैसा लग रहा है? बस सबने कहा कि कनाडा आओ, हेल्दी लिविंग है, बहुत बढ़िया, यहाँ घास काटनी पड़ रही है। कैंची से ही काटो ठीक है ना, ये ज्यादा शॉर्टकट ना करो। गैस फाड़ने लगा था ये लड़का। लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर, लाइफ ऑफ हाउस मेकर्स, क्या करेंगे वीकेंड पे, आराम नहीं दी अभी वीकेंड पे काम करने घर के। अरे फिर इसके बाद सेट करके आराम ही आराम है तेरा, मेरे को वीडियो एडिट करनी है यूट्यूब के लिए। मिले या मुझे। सो ये लुक आ रही है विदाउट फर्नीचर, और फर्नीचर के साथ लुक आ रही है ये। अब ऐसा लग रहा है। बहुत मेहनत लगी है गाइस, जान आपने तो देखा ही है, मेहनत बहुत ज्यादा लगी है। मेहनत बहुत लगी है बट इट्स ऑल वर्थ इट डेफिनेटली। आप कमेंट करके जरूर बताना। बट बाय द वे तूने प्रॉमिस किया था कि आज का सारा खाना तू बनाएगी। हाँ, मैंने बना तो डिनर में क्या ही है बता। डिनर में मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी तेरे लिए, स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। चलो आई एम वेटिंग। सो दोस्तों आपको तो पता ही है मैं ज्यादा कुक करती नहीं हूँ, बट आज मैंने फियांचो को प्रॉमिस किया था कि मैं आज खाना बनाऊंगी सारा दिन। सो आज बनाऊंगी मैं स्पेशल फ्रॉम हेलो फ्रेश। सो मैं बना रही हूँ चीजी चिकन एंचिलाडास। थैंक यू हेलो फ्रेश फॉर सेंडिंग दिस डिनर किट। देखो गोल बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है, बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू मेक लाइक दिस। रेसिपीज पूरी साथ में बताई हुई है, स्टेप बाय स्टेप है, सो इट्स सुपर इजी टू फॉलो। सो गाइस द बेस्ट पार्ट अबाउट हेलो फ्रेश इज दैट ऑल द इंग्रेडिएंट दैट आई नीड टू मेक दिस एंचिलाडास इट्स ऑलरेडी इन दिस पैकेट। चलो खोलें और आपको दिखाती हूं अंदर क्या क्या है। Tortillas ready, sour cream, chicken breast, cheese, chicken broth, Mexican seasoning, all purpose flour. Yaar, packaging dekho ab choti si. Guys, fresh sabjiyan bhi saath mein bhejte hain. Assume nahi karte ki pyaaz aapke ghar hoga. And the link is in the description. First step is making enchilada sauce. तो गाइस चिकन वाले पार्ट के लिए मैंने फियांचो को बुलाया बिकॉज अभी भी मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ चिकन बनाने में। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया मैं कीरे से पनीर वाला भी बना देता हूँ मिक्सर, बस चिकन को रिप्लेस करके पनीर डाल देंगे ताकि उसका भी खाना हो जाए। थैंक यू दीदी, आई लव यू। दोस्तों माहौल बनाने के लिए कैंडल्स जला ली हैं। Me and Fufi gonna have candlelight dinner. Drinks are ready.
और बाहर क्योंकि ठंड है तो हमने अपना हीटर चला लिया, दो मिनट में बस बन रहा है डिनर डिनर डे एट होम गाइस, ऑल सेट, थैंक यू, हैव अ फ्रेश, लेट मी टेस्ट, यम्मी फूफी, मजेदार, थैंक यू हेलो फ्रेश फॉर द डिनर। तो वैसे तो मैं मम्मा को कभी भी अपडेट नहीं देता अपनी लाइफ के बारे में, जनरली मैं चाहता हूँ वो व्लॉग से देखे क्योंकि जो जर्नी मैं एज अ विजुअलाइज दिखाना चाहता हूँ वीडियो कॉल पे इतना पता नहीं चलता, बट आज मदर्स डे है तो मैं मम्मा को पहले सब कुछ दिखा रहा हूँ सेटिंग वगैरह तो हाँ व्लॉग लेट आता है ना थोड़ा। तो मम्मा ये रहा डाइनिंग टेबल, ये रही चेयर्स, ये रंग लेके आए ब्यूटीफुल ना, वेरी प्रिटी, बट आई यू विल नॉट बिलीव आई सॉ दिस टाइप ऑफ अ रंग लाइक इन शिमला में, अभी अभी इतना मन कर रहा था कि मैं चले ले लूं, नहीं 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 वेरी प्रिटी। और चेयर्स कैसी लगी आपको? वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, फोर जस्ट एंड गेट रेडी फॉर द बिग सरप्राइज, मैंने अपना सारा पैटियो सेट कर दिया। सी मेरी मम्मा ने भी बोला ड्रीम ड्रीम कम ट्रू, मेरे सारे कूल कम आ गए बेटा, आई लव यू, सच में मेरा कितना मन था तेरे लिए सेटिंग करने का, क्योंकि मेरी मम्मा को हमेशा से पता था कि मुझे कितना ज्यादा शौक है टर्फ लगाने का, मुझे बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल ग्रास का बहुत शौक था प्रियांशु को, और मेरे को भी बहुत शौक था। And you will be so proud जब आज मैंने और कीरत ने सब सेट खुद सेट किए मम्मा A to Z। कीरत हाँ जी मम्मा, लव यू मम्मा, थैंक यू, ऐसी मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से तुम मुझे सरप्राइज दे, मम्मा थर्ड मंथ आ गया हो, मम्मा प्लीज ऐसे मत बोलो यार, फोन रखो यार, अपना ही एक ट्रैक चल रहा है, ये बनेगा थंबनेल, अरे मम्मा, और ये देखो यहाँ ठंड हो जाती है ना तो यहाँ पे हीटर रखा हुआ है हमने, okay. ये इमेजिन कर सकते हैं मैंने और कीरत ने किया सब कुछ, बहुत सुंदर, जल्दी यहाँ पे अपना हुक्का भी सेट कर लेना, हाँ हाँ मम्मा हुक्का भी सेट करेंगे मम्मा, हुक्का भी प्लान में, वो हुक्का भी प्लान में, डोंट वरी, आई लव यू मम्मा, लव यू, चलो करो आप एग्जीबिशन में फोकस करो, बाय बाय, लव यू, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मम्मा, लव यू, टेक केयर, ओके, गुड लक गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, सुबह के बज रहे हैं 4:15 और फूफो और कुकु ने मारी ढेर सारी गप्पे, आओ इधर मैडम, जो हमने अपने पैटियो में एंजॉय किया ना, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मजा आ गया, टच रोड, बहुत प्यारा लग रहा है, और जेन्युइनली आई एम सो हैप्पी कि हमने खुद बनाया है वो सब कुछ, खुद मेहनत करी है, कसम लगे इतनी इतनी जगहों पे चोटें लगी हुई है ना, अभी हाथ है मेरा ठीक सीधा नहीं हो रहा, मेरी भी बैक है कितनी ज्यादा हो रही है, बुरी हालत है, बट आज मुझे लगता है पैटियो के लिए लाइक बनता है और कमेंट भी बनता है, कैसा लगा इस वीडियो पे यार, मैं ज्यादा नहीं उम्मीद करता बट कम से कम यार 500 लोग तो कमेंट करो, ओके 500 लोग तो ज्यादा नहीं है, ठीक है।